इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे पर पहली बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी बोले हैं। जोशी ने कहा कि सब कुछ कर देंगे लेकिन गंगा में जहाज कैसे चलाएंगे। सरकार प्रति टुकड़ों में साफ करो, यहाँ साफ कर दो वहां साफ करो, ऐसे होगी नहीं। आप 50 वर्ष कट करिए, मैं बोल चुका हूँ, जब तक गंगा अविरल नहीं होगी तब तक गंगा निर्मल नहीं होगी। अब वो एक हमारे मित्र हैं मंत्री, वो कह रहे हैं हम गंगा में जहाज चलाएंगे, उनको एनर्जी डायनेमिक्स पता नहीं है, हाइड्रो डायनेमिक्स पता नहीं है उनको, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। दरअसल ये समझना बेहद जरूरी है कि मुरली मनोहर जोशी ने क्यों कहा कि जहाज कैसे चला देंगे। पिछले दिनों नितिन गडकरी ने कहा था कि गंगा पर बंदरगाह बनाया जाएगा और जहाज चलाया जाएगा। वैसे मुरली मनोहर जोशी के बयान पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि उनसे मिलकर गंगा सफाई के बारे में जानकारी देंगे। पिछले 29 साल से गंगा सफाई का काम टुकड़ों में हुआ है।